Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप आगे वीडियो में देखेंगे, पाकिस्तानी मीडिया ने फिर एक बार रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाने की। हालांकि ऐसी रिक्वेस्ट पिछले कई दिनों से आ रही है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर लाइक शोएब अख्तर, वसीम अक्रम और शाहिद अफरीदी ऐसी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर अपने सुझाव जरूर शेयर करें। बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में भी बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई ज़रूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? देखिए, ये बात हमारे करने की नहीं है, क्योंकि एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ? मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे, क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे? अगर BCCI ये नहीं चाहती या अगर IPL कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीजंस हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी IPL में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीज़न, IPL के पहले सीज़न में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफ़ी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक IPL की इटसेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो खुद तैयार नहीं होते पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने के लिए, तब तक हमारा इस पर बात करना और खासतौर पर फॉर्मर क्रिकेटर्स का बात करना बनता नहीं है। सुहेल तनवीर की आपने बात की, अभी भी नाम उनका सर फहरिस्त होता है, जब भी रिकॉर्ड बुक IPL के सामने आती है तो उनका वो पहले दूसरे सीजन का जो रिकॉर्ड है वो वहां पर नजर आता है। चैंपियंस लीग की बात हो रही थी, पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में जाके तो नहीं खेल सकते, लेकिन शायद चैंपियंस लीग बनने की बात हो रही थी जहां पर तमाम लीग्स की जो टॉप टीम्स हैं, टॉप फोर टीम्स, वो वहां जाके परफॉर्म करेंगे, चैंपियंस टीम वहां जाके परफॉर्म करेंगी। अगर IPL और PSL की टीम्स का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा सवेरा? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं अगर सोचूं तो PSL और IPL की टीम्स का आमना सामना हो तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। मगर इस दफ़ा जिस तरह IPL में मुंबई इंडियंस जीती है, मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियंस इस वक्त दुनिया में जितनी लीग्स हो रही हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। जिस तरह मुंबई इंडियंस खेली है और जिस तरह उनके प्लेयर्स को पता है कि किस प्लेयर ने आके क्या करना है, उनके जो कोर है टीम का वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है आके, सो मुंबई इंडियंस तो बहुत ही ख़तरनाक टीम है। मगर आइडिया बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आएगा कि एक तरफ मुंबई इंडियंस हो तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी हो, तो एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सो दूसरी तरफ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, फिर एक तरफ लाहौर कलंदर्स हो तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हो। कितने मजे का टूर्नामेंट होगा। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे करवा ले। ठीक है सवेरा, हम IPL के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात होगी अगर चैंपियंस लीग का दोबारा से आगाज़ हो जाए, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं कौन करेगा। साथ साथ IPL की आपने बात की, मुंबई इंडियंस जीती, लेकिन विराट कोहली का एक बड़ा नाम है इंडिया में और पूरी दुनिया उन्हें बहुत बड़ा बैट्समैन समझती है। IPL में वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, अपना जो है वो जितवा नहीं पा रहे टीम को, फाइनल कोई ट्रॉफी नहीं जीती उनकी जो टीम बैंगलोर है, और अब गौतम गंभीर सामने आए और उन्होंने ये बात कही है कि RCB को विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जानिब एक लॉबी भारत में ये बात भी कर रही है कि इंडियन टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा के सुपुर्द कर देनी चाहिए। गौतम गंभीर जो है ना वो कहते हैं ना हिंदी का ही लफ्ज़ है, गंभीरता बढ़ाते रहते हैं हर बात की। मुझे ये लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में
पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा मसला यही है कि विराट कोहली और ये भी डिविलियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। मतलब एरन फिंच भी आए मगर एरन फिंच भी इतना सब कुछ नहीं कर सके, तो एक विराट कोहली और डिविलियर्स ही तो करके दिखा रहे हैं। अब विराट कोहली को भी अगर आप कैप्टनसी से हटा देते हैं, किसी और को कप्तान बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी जब तक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैं, मुझे लगता है उन्हीं को आरसीबी का भी कैप्टन रहना चाहिए। हमने बात की मुंबई इंडियंस की, मुंबई तो जीत गई, लेकिन इस बार सवेरा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रही हैं आईपीएल को और हम देख रहे हैं कि काफ़ी छाई हुई हैं, आप भारत में आपको काफ़ी सुना भी जाता है, आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा नया टैलेंट आपके आपने देखा कि जो भारत की नुमाइंदगी कर सकते हैं आगे चल के? मुंबई तो बिल्कुल, मतलब ऊपर तले दो दो मुंबई ने जो है वो टाइटल्स जीत लिए हैं, वरना तो ऐसे था कि अल्टरनेटिव ईयर पे मुंबई 2013-15 इस तरह करके जो है अल्टरनेटिव ईयर्स पे मुंबई चैम्पियन बन रहा था, बट ऊपर तले अब दो साल जो है वो मुंबई ने जीत लिया है। एंड 13 आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है खिलाने की, अब इनडायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया अब भीख ही मांग रही है पाकिस्तानियों को आईपीएल में खिलाने की। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी के ऐसे बयान आए जिसमें इन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों को आईपीएल में खिलाया जाए। हालांकि शाहिद अफरीदी वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2019 में बोला था कि आईपीएल जैसी घटिया लीग में मैं नहीं खेलूंगा, और अब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सीधे बोल रहे हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, पाकिस्तानी यंग टैलेंट्स को, पाकिस्तानी जो युवा खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तान से आईपीएल में भेजना चाहिए जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट इंप्रूव हो। और यही शाहिद अफरीदी हमेशा अपने ट्विटर पर भारत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर और भारत के खिलाफ, कश्मीर, ये वो बहुत ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं। और शोएब अख्तर वैसे ही कुछ, शोएब अख्तर का हाल है, शोएब अख्तर भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि बीसीसीआई ने सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया है, बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप की जगह आईपीएल कराया, ऐसा कुछ इनका बयान आया था। और ये वही शोएब अख्तर हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत ज़्यादा काम किया है और आईपीएल में केकेआर के लिए पहला सीजन खेला भी था, और आईपीएल में आपने देखा होगा स्टार स्पोर्ट या सेट मैक्स दोनों के लिए उन्होंने आईपीएल में कमेंटेटर प्रेजेंटेटर काम किया है। और यही शोएब अख्तर पाकिस्तान में बैठकर कुछ और बयान देते हैं भारत के खिलाफ, बीसीसीआई के खिलाफ। और इसी लिस्ट में नाम आता है वसीम अकरम का। हालांकि वसीम अकरम उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से एक है जो ट्विटर पर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ नेगेटिव या ये पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, और वसीम अकरम क्रिकेट पर ही बात करते हैं। तो वसीम अकरम वन ऑफ द लेजेंड, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होगा 1000 विकेट लगभग लिए, टेस्ट में दोहरा शतक है इनका, और बहुत ही सेंसिबल क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने भी बोला था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका मिलना चाहिए और पाकिस्तान सुपर लीग में भारत के खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया था। हालांकि वसीम अकरम भी जानते हैं दोनों देश के बीच क्या इशू है, तो ये अभी तो इन फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ प्लान। तो दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर आपने देखा होगा स्वरा, जो ये इनका क्या स्वरा पासा मैडम है, इन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी मैचेस हो सकते हैं, लाइक दिल्ली वर्सेस लाहौर, मुंबई वर्सेस कराची, ऐसा कुछ इनका प्लान है। बाकी ये पाकिस्तानी मीडिया का प्लान है, ऐसा इंडिया में तो कुछ सोचा भी नहीं जा रहा। हालांकि इंडियन फैंस भी ऐसा कुछ नहीं चाहते, आपने देखा होगा जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फैंस हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं क्या इशू है, टेररिज्म, ये वो सब आजकल बहुत अवेयर हैं और सब चाहते हैं कि पहले ये सब खत्म हो फिर